गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स या फिर लाइनेक्स में डेट कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेट कमांड का फर्स्ट यूज़ क्या है। तो डेट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम। तो करंट डेट यानी कि आज क्या डेट है, करंट डेट एंड करंट टाइमिंग, अभी क्या टाइम हो रहा है, तो इसको देखने के लिए हम डेट कमांड को यूज़ करते हैं। तो आइए इसको यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारा यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे करंट डेट और करंट टाइम को शो करने के लिए डेट कमांड को टाइप करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेट कमांड को टाइप किया और एंटर प्रेस किया। तो आज का जो डेट है, करंट डेट जो है, वो 23rd September 2020 है और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 14:06:05, दैट मीन्स 2:06 हो गए हैं और 5 सेकेंड हो गए हैं। तो डेट कमांड ने यहाँ पे करंट डेट और करंट टाइम को यहाँ पे शो किया है। तो अब इसको क्लियर कमांड से क्लियर कर लेंगे। तो CLEAR क्लियर कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो ये था डेट कमांड का फर्स्ट यूज़। अब देखते हैं कि डेट कमांड का दूसरा क्या यूज़ है। डेट कमांड का जो दूसरा यूज़ है वो है, डेट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट। हम डेट कमांड को यूज़ करके डेट और टाइम को डिफरेंट फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें क्या करना है, डेट कमांड को टाइप करना है, इसके बाद सिंगल कोटेशन में प्लस डेट ये टाइप करनी है, कॉलन, फिर परसेंट डी आपका डे को शो करेगा, हाइफन परसेंट एम जो है वो मंथ को शो करेगा, डे और मंथ के बीच में ये हाइफन शो करेगा, इसके बाद हाइफन परसेंट वाई और परसेंट वाई ईयर को शो करेगा, मंथ और ईयर के बीच में ये हाइफन शो करेगा। परसेंट एन मैंने लिया है न्यू लाइन में, टाइम जो है वो न्यू लाइन में शो करेगा। तो न्यू लाइन में लेने के लिए परसेंट एन टाइप करेंगे, टाइम कॉलन परसेंट कैपिटल एच ये आर को शो करेगा, परसेंट कैपिटल एम ये मिनट को शो करेगा और आर और मिनट के बीच में कॉलन को शो करेगा, फिर कॉलन परसेंट एस कैपिटल ये शो करेगा सेकंड को और मिनट और सेकंड के बीच में ये कॉलन शो करेगा। सिंगल कोटेशन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट हो गया और इस फॉर्मेट में मैं डेट और टाइम को देखना चाहता हूँ। दूसरा जो फॉर्मेट है वो है सिंगल कोटेशन में प्लस डेट कॉलन परसेंट एम। मैंने मंथ को पहले रखा है, डे को बाद में रखा है, ईयर को फिर इसके बाद में रखा है और बाकी फिर सारा वही रखा है जो ऊपर वाले फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से मैं दूसरे फॉर्मेट में भी टाइम, डेट और टाइम को मैं डिस्प्ले करा सकता हूं। तो आइए इसको यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली डेट कमांड को टाइप करेंगे, इसके बाद सिंगल कोटेशन प्लस डेट
और कॉलन, और इसके बाद मैं एक फॉर्मेट यहाँ पे टाइप करूँगा। तो फॉर्मेट मेरा क्या होना चाहिए, %d, पहले डे को शो करे, बीच में हाइफन शो करे, फिर %m मंथ को शो करे, फिर बीच में हाइफन शो करे, फिर %y ईयर को शो करे, और अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में मेरा टाइम को शो करे। तो %n ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, और ये टाइम, और टाइम में जो है सबसे पहले मुझे आर को डिस्प्ले कराना है, तो %H, फिर कॉलन डिस्प्ले करे, फिर %m, M, ये मिनट को शो करेगा, फिर कॉलन %S, ये सेकेंड को शो करेगा, और सिंगल कोटेशन को क्लोज करना है। तो डेट और टाइम जो है हमारा सेम फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये फिर ये जो है मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे 23rd सेप्टेम्बर 2020 ये फॉर्मेट मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया है, तो इस फॉर्मेट में इसने शो कर दिया है। यहाँ पर DMY के बीच में मैंने हाइफन हाइफन लिया है, तो यहाँ पे 23rd 9 और 20 के बीच में हाइफन इतने शो किया है। इसके बाद टाइम के बीच में मैंने कॉलन लिया है, तो इसने कॉलन को शो किया है। तो ये तो था एक फॉर्मेट जिसमें मैंने टाइम और डेट को डिस्प्ले कराया। अब मैं कोई दूसरा दूसरे फॉर्मेट में टाइम और डेट को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं टाइप करूँगा डेट सिंगल कोटेशन प्लस डेट कॉलन, और अब की बार जो है मैं डे को पहले नहीं, पहले मंथ को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो %m और हाइफन के जगह पे मैं ऑब्लिक यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो ऑब्लिक फिर %d ये डे को शो करेगा, फिर ऑब्लिक %y ये वाई को शो करेगा, और फिर ऊपर वाला सारा फॉर्मेट मुझे यहाँ टाइप करना है। तो %n न्यू लाइन में लेने के लिए, टाइम कॉलन %H, सॉरी H लेना है, H कॉलन %M कॉलन %S सिंगल कोटेशन क्लोज। अब डेट और टाइम को इस वाले फॉर्मेट में ये डिस्प्ले कराएगा। तो एंटर प्रेस करनी है, तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे जो है मैंने मंथ को पहले रखा है, इसलिए 9 यहाँ पे मंथ को इसने पहले डिस्प्ले किया है। उसके बाद डे को रखा है, तो डे को यहाँ पे डिस्प्ले कराया है, वाई है तो वाई ईयर को यहाँ पे डिस्प्ले किया है, और इसके बीच में मैंने ऑब्लिक लगाया था, तो ऑब्लिक में इसने डेट को डिस्प्ले कर दिया। बाकी टाइम मैंने ऊपर वाले फॉर्मेट का ही पूरा एज इट इज रखा था, तो टाइम को इसने शो कर दिया। तो इस तरीके से डेट और टाइम को हम जो है डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब क्लियर कमांड से स्क्रीन को क्लियर करेंगे। तो ये क्लियर कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, तो स्क्रीन क्लियर हो गई। तो ये था डेट कमांड का जो है सेकेंड यूज़। अब देखते हैं कि डेट कमांड का थर्ड यूज़ क्या है। डेट कमांड का जो तीसरा यूज है वो है हाइफन यू ऑप्शन के साथ। तो हाइफन यू ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द टाइम इन GMT। GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर UTC कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम टाइम जोन। तो डेट कमांड को जो है हाइफन यू ऑप्शन के साथ यूज करके हम इंटरनेशनल टाइम को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक तो होता है कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया लेवल पे क्या टाइम हो रहा है वो चेक करने के लिए, और एक होता है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या टाइम हो रहा है, यूनिवर्सल लेवल पे क्या टाइम हो रहा है। तो उस टाइम को
भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके डेट कमांड को टाइप करनी है और हाइफन यू ऑप्शन स्पेसिफाई करना है। तो आइए इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इंटरनेशनल टाइम को डिस्प्ले कराने के लिए सिंपली डेट कमांड को टाइप करेंगे डेट हाइफन यू और एंटर प्रेस करेंगे। तो इंटरनेशनली अभी जो टाइम हो रहा है, यूनिवर्सल टाइम जो हो रहा है वो 8:49:35 का टाइम हो रहा है। और अगर इंडिया में हमें टाइम को चेक करना है तो सिंपली डेट कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। तो इंडिया में अभी जो टाइम हो रहा है 14:19:55 का टाइम हो रहा है। तो 14:19:55 का मतलब 2:19:55 का टाइम हो रहा है इंडिया में। बट इंटरनेशनली या यूनिवर्सली अगर बात करें कि कितना टाइम हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या टाइम हो रहा है, तो 8:49:35 का टाइम हो रहा है। तो ये था डेट कमांड का तीसरा यूज। तो इसको अब क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि डेट कमांड का फोर्थ यूज क्या है। तो डेट कमांड का जो फोर्थ यूज है, डेट इज यूज टू शो द डेट ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यूज सच एज टुमारो, फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। अब जो है डेट कमांड को यूज करके कल की क्या डेट है वो भी हम चेक कर सकते हैं, और जो है फ्राइडे को क्या डेट होगी वो भी हम चेक कर सकते हैं। लास्ट फ्राइडे को क्या डेट थी, नेक्स्ट फ्राइडे को क्या डेट होगी, नेक्स्ट मंथ को क्या डेट होगी और नेक्स्ट वीक को क्या डेट होगी, ये सब भी हम डेट कमांड को यूज करके चेक कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके डेट कमांड को टाइप करना है और इसके साथ हाइफन डी का ऑप्शन लेना है। और जिस भी दिन का हमें डेट देखनी है उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखना है। तो मुझे टुमारो का देखना है तो टुमारो को मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिया है। तो अब मुझे कल की डेट देखनी है, आज की डेट पहले चेक कर लेते हैं। तो आज की जो डेट है चेक करने के लिए हम डेट कमांड को टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आज जो डेट है वो 23rd September 2020 है। अब जो है मुझे टुमारो कल की डेट चेक करनी है कि कल क्या डेट होगी। तो इसके लिए डेट कमांड को टाइप करनी है, इसके बाद हाइफन डी और डबल इन्वर्टेड कोमा में मुझे टाइप करना है टुमारो। तो ये मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आज 23rd September है तो कल 24th September 2020 होगा। तो कल की ये डेट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब जो है मैं फ्राइडे की डेट चेक करना चाहता हूँ कि अभी जो फ्राइडे अब जो फ्राइडे आएगा, फ्राइडे का जो दिन आएगा उस दिन क्या डेट है। तो वो चेक करने के लिए सिंपली डेट कमांड को टाइप करूंगा, हाइफन डी डबल इन्वर्टेड कोमा में फ्राइडे टाइप करनी है मुझे। ये करके डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आज जो है 23rd है, वेडनेसडे है, तो फ्राइडे को 25 का डेट होगा, मतलब 25 तारीख जो है फ्राइडे को हो जाएगी। अब जो है मुझे नेक्स्ट मंथ का, लेट सपोज मुझे नेक्स्ट मंथ की डेट आज से ठीक अगले मंथ की मुझे डेट चेक करनी है। तो सिंपली मैं डेट कमांड को टाइप करूंगा, हाइफन डी और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ टाइप करके इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। तो आज 23rd September है तो नेक्स्ट मंथ को जो डेट है वो 23rd अक्टूबर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट वीक का मुझे चेक करना है, तो डेट हाइफन डी डबल इन्वर्टेड कोमा में नेक्स्ट वीक, और डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करना है और एंटर। तो नेक्स्ट वीक को 30 सितंबर 2020 होगा। तो ये था डेट कमांड का फोर्थ यूज, तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। तो CLER क्लियर एंटर, तो ये स्क्रीन क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि डेट कमांड का जो है फिफ्थ यूज क्या है। तो डेट इज यूज टू डिस्प्ले करंट टाइम ऑफ द अदर कंट्री, डेट इज यूज टू डिस्प्ले करंट टाइम ऑफ अदर कंट्री लोकेशन। अब मुझे किसी दूसरे कंट्री का जो है मुझे टाइम चेक करना है कि दूसरे कंट्री में करंट टाइम वहाँ पे क्या हो रहा है। तो दूसरे कंट्री, लेट सपोज यूरोपियन कंट्री में मुझे फ्रांस का टाइम देखना है, मुझे जर्मनी का टाइम देखना है कि जर्मनी में इस समय वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, या फ्रांस में इस समय वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। तो इसके लिए यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके TZ टाइप करनी है मुझे। तो TZ का मतलब है टाइम जोन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में, ये मैंने टाइम जोन का कोड यहाँ पे टाइप किया है। तो टाइम जोन का कोड हम कैसे जो है लाएंगे, तो वो हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो ये टाइम जोन का जो है ये कोड है फ्रांस का, फ्रांस का मुझे टाइम देखना है कि फ्रांस में इस समय करंट टाइम क्या हो रहा है। तो टाइम जोन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में उस टाइम जोन का मुझे यहाँ पे कोड टाइप करना है, और डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके डेट टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। तो जो है फ्रांस में अभी करंट टाइम क्या हो रहा है उसको ये डिस्प्ले करा देगा। तो कैसे, आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ्रांस में अभी क्या टाइम हो रहा है वो चेक करना है। तो सिंपली TZ को टाइप करेंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में टाइम जोन का यहाँ पे कोड टाइप करेंगे। तो कोड है यूरोप ऑब्लिक पेरिस, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और डेट टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी फ्रांस में जो करंट टाइम है, अभी जो टाइम हो रहा है फ्रांस में, वो हो रहा है 14:27:54, दैट मीन्स 2:27:54 का टाइम हो रहा है। तो अब मुझे जर्मनी में इस टाइम क्या हो रहा है, मतलब जर्मनी में जो है क्या टाइम हो रहा है उसको चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे टाइम जोन का जो है कोड निकालना पड़ेगा। तो कोड निकालने के लिए हम टाइप करेंगे TZ सेलेक्ट और एंटर प्रेस करेंगे। तो जो है जर्मनी, जो है जर्मनी यूरोप में आता है, तो यूरोप 8th नंबर पे है, तो 8th को टाइप करेंगे यहाँ पे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जर्मनी 16th नंबर पे है, तो 16th को टाइप करेंगे एंटर प्रेस करेंगे, फिर यस टाइप करेंगे। तो यस टाइप करने के लिए 1 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, 1 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जर्मनी का जो टाइम जोन है वो आया है यूरोप स्लैश बर्लिन। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, TZ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में मुझे टाइप करना है यूरोप स्लैश बर्लिन, और डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके डेट टाइप करनी है मुझे और एंटर को प्रेस करना है। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी जो है जर्मनी में अभी करंट जो टाइम हो रहा है वो 14:29:25 का टाइम हो रहा है, मतलब 2:29:25 का टाइम हो रहा है। तो इसी तरीके से मुझे मान लीजिए एशिया में किसी कंट्री का टाइम देखना है, तो सिंपली सबसे पहले मैं उस कंट्री का जो है टाइम जोन कोड जो है पहले निकालूंगा। तो कैसे, TZ सेलेक्ट
को टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा, ये कर दिया मैंने। अब एशिया पांचवें नंबर पे है तो 5 को टाइप करूंगा। और एशिया में किसका चेक करना है मुझे, मुझे ईरान का चेक करना है, तो ईरान 16 नंबर पे है तो 16 को यहाँ पे टाइप करूंगा। और उसके बाद यस के लिए मुझे 1 टाइप करना है तो 1 टाइप कर दिया। तो अब ईरान का जो टाइम जोन है वो ये आ गया, एशिया ऑब्लिक तेहरान। अब मुझे TZ इक्वल टू और उस कोड को टाइप करना है, एशिया ऑब्लिक तेहरान, और ये इन्वर्टेड कोमा को मैंने क्लोज कर दिया, डेट को मैंने टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी ईरान में जो टाइम हो रहा है वो 14:30:44 का टाइम हो रहा है, दैट मीन्स 2:30:44 का टाइम हो रहा है। तो ये था डेट कमांड का 5th यूज। अब इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, तो CLER और एंटर, तो ये स्क्रीन क्लियर हो गई है। तो हमने डेट कमांड के जो है डेट कमांड को 5 तरीके से कैसे यूज करते हैं वो हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा है। तो ये था डेट कमांड के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।